फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी हूँ अच्छी। और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे, हिमाचली अनुनेगी। और आज मैं बना रही हूँ नया व्लॉग। संडे वाले दिन आज मैं हूँ घर पे। देखो, मैं जा रही हूँ अभी जौ की कटिंग करने, जौ काटने। आज हमने खेतों में, और खेतों में आजकल काम चला हुआ है, गर्मी आ गई है। और आपको पता ही है, गाँव में फिर खेतों में काम करना हो जाता है शुरू। देखो, लोगों ने बिजाई वगैरह करना स्टार्ट कर दिए। कईयों ने टमाटर लगाए हुए हैं, कईयों ने क्या लगाया हुआ है, और पुरानी फसल मतलब जौ गेहूँ ये सब काटने पड़ते हैं। और अभी मैं भी जा रही हूँ खेत। देखो, मैं ग्लव्स लगा लिए, और मम्मी बेबी और पापा जी भी खेत में हैं। और अभी मैं भी चलती हूँ खेत में, तो कर लेते हैं आज का काम स्टार्ट। तो मिलते हैं आपसे दिन भर में। आज क्या करेंगे वो आपको दिखाएंगे, और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी मैं चलती हूँ खेत की ओर। ये देखो, यहाँ पर हमारे इस तरह से जौ के खेत है, और ये सामने गांव, और ये इधर से जौ लगे हुए है खेत में, और उधर देख, ये देखो इधर शेरू की भी गुड मॉर्निंग हो गई शेरू। और अभी ये देखो, इस तरह से जौ के खेत है, और अभी इतने काट भी ले गए यहाँ पर रखे हुए इकट्ठे करके जो काटे हुए हैं। इधर पापा जी अभी काट रहे गेहूं, जौ ऐसे काटते पापा जी का जौ। ये देखो, यहाँ पर काटे हुए भी है। ये हमारा घर है। ये देखो, अभी मैं आ गई हूँ खेत में, अभी कटिंग करेंगे। ये देखो पापा जी काट रहे हैं, तो अभी कर लेते काम स्टार्ट। मम्मी जी भी आ गए। खाया होगा। देखो बेबी भी आ गई इधर। इतने जौ काट लिए यहाँ से यहाँ तक। अभी हमने इतने सारे जौ काट लिए, और यहाँ पर देखो मेरे साथ है मम्मी जी भी। और अभी बड़ा सा खेत बच गया है पीछे तक जौ काटने का। और ये देखो, इतने हमने काट लिए। और यहाँ देखो पीछे, और पीछे उधर गाय भी चल रही है साथ में। और अभी पापा जी चले गए हैं बैलों को जंगल में छोड़ने के, और अभी हम लोग काट लेते हैं। सो गाइस, गेहूँ काट के हम लोग आ गए थे, तो उसके बाद खाना वगैरह खा लिया, उसके बाद मैं रेस्ट किया। आप देख ही रहे होंगे मेरी आँखें कैसी हुई हुई, मैं अभी उठी हूँ सो के। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और इधर बैठ के मैं अभी कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। और कोल्ड ड्रिंक मैं देखो कप में पी रही हूँ कोल्ड ड्रिंक, ऑरेंज वाला, तो कप में भी ना मुझे अच्छा लगता है, तो पी रही थी। और इधर देखो पानी भी रखा हुआ है, पानी भी पी लूँगी उठ के। अभी थोड़ी फ्रेश हो जाती हूँ पहले, तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा हम किस तरह से जौ को निकालते हैं। और पापा भी निकाल रहे हैं, मशीन से नहीं निकालना है, हाथ से ही ऐसे डंडे से उसको मार के निकालना होता है। और मशीन थोड़े से दूर है, यहाँ लाते लाते फिर उतना ही टाइम हो जाएगा, तब तक हम ऐसे हाथ से निकाल लेंगे, तो लाना भी टफ हो जाएगा थोड़ा। तो अभी जाती हूँ मैं, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ी फ्रेश हो जाती हूँ उठ के। ये देख रहे हो आप कितनी धूप हो गई है, पूरी बालकनी में पीछे तक आ गई, तो मैं पीछे जैसे बैठी हूँ चेयर लगा के, तो ऐसे गर्मी हो गई है अभी काफ़ी ज़्यादा। और तो मैं पी लेती हूँ कोल्ड ड्रिंक कॉफ़ी वाले कप में, और पूरा इंजॉय करती हूँ कोल्ड ड्रिंक को।
कप में पी के इतना ज्यादा मजा आता है, कभी आप भी ट्राई करना। ये देखो बेबी, बेबी रुको रुको, बेबी बेबी देखो, बस जाते जाते आते आते हॉर्न में गाने लगा के सुनते रहते हैं, और अपना पूरा दिन ऐसे निकाल देते हैं नाच नुच के। अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि पापा कैसे निकालते हैं जॉ को। लगे पापा इधर काम करने, बेबी देखो यहाँ डांस करना हो गई है स्टार्ट। बेबी के मजे लगते रहते हैं इस तरह से गाने सुनते सुनते। सारे चौक काट लिए है, ये देखो जौ, ये पापा ने इस डंडे से मार मार के, इस तरह से इसे मार मार के इनको निकालना पड़ता है, इनकी ऐसे मारना पड़ता है ना आगे आगे पूरे इस तरह से निकल जाते हैं फिर ये, और फिर ऐसे इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं, फिर इसको थोड़ा सा चलने से वो निकालना पड़ता है, फिर ये सारा जो घास लगा हुआ है तो ये गाय को देने के काम भी आ जाता है। और तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना अभी, और जो हमने सुबह काटे थे जो जौ, ये वो वाले जौ नहीं हैं, वो इतने ज़्यादा सूखे नहीं हुए हैं अभी, उनको खेत में ही रखा हुआ है, वो पहले सूखे होने चाहिए तो उसके बाद ही उनको इस तरह से करते हैं। तो ये पहले काटे हुए थे पापा जी भी घरों ने, मम्मी जी भी घरों ने, तो अभी देखो यहाँ पर पापा जी कैसे करते हैं। ये जो घास है जो इतने पापा ने कर लिए है, आप इनको देखोगे आगे से ये हो गए देखो खाली, इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है, और इस तरह से इनको यहाँ पर रखा हुआ है जो कर दिए खत्म पापा ने। देखो जिनमें है उनमें इस तरह से आगे लगे हुए हैं, तो इनको एक एक करके पापा जी निकाल रहे हैं सारे, और इस तरह से मार मार के इनको कर देंगे खाली। और डंडा है पापा जी, और नहीं है, मैंने भी करना था ये कर। ऐसा पापा बोले कि भाई, पापा बोले कि आप रहने दो करने, आप में जो ये होते ना इसके गेहूँ के ये जो होते हैं ना तीखे तीखे से, ये ना पूरे कपड़ों में फंस जाते हैं, तो फिर ये बहुत ज़्यादा चुभ जाते हैं, तो पापा ने तभी अभी एक टी शर्ट लगाई हुई है, तो पापा ने बाद में ही चेंज करने कपड़े। तो अभी हम चलते हैं, मम्मी जी देखते क्या करें, मम्मी जी पट्टू बुन रहे ना, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारे इधर कुल्लू में जो हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है उसकी बुनाई किस तरह से होती है, और वो दिखाती हूँ मैं आपको। देखो हमारे शेरी इधर बैठा हुआ है, शेरी 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 देखो कैसे करता है पूंछ, शेरी ये घर के निचली साइड इस तरह से रखा हुआ है यहाँ पर जिसमें बुनाई करते हैं। देखो यहाँ मम्मी जी कर रहे हैं बुनाई, पट्टू बन रहा है इधर, इसको पट्टू बोलते हैं, और इसमें इस तरह से होती है डिजाइनिंग, जैसे ये देखो इधर बना है एक फूल, और ऐसे इस पाइप को डालते हैं इधर। इस तरह से होती है बुनाई, और ये देखो पीछे रखे हुए इधर धागे जो कलर जो इन फूलों को बनाए गए बाद में इस तरह से। ये है देखो बेबी भी आ गई मेरे पीछे पीछे, फोन कहाँ रख दिया बेबी, कहाँ रख दिया फोन, गाने क्यों किए बंद, लगा दो कर लो डांस, बेबी दिख ही नहीं रही है, अब दिखेगी बेबी, लगा लिए बेबी का डांस। Thank you.
लकड़ी से मम्मी जी निपाई कर रहे हैं, इतनी इतनी दूरी पे रखना पड़ता है इन फूलों को। तो इसके बाद अब फूल के लिए कलर डालेंगे। ये वाले जो है ना, ये गेहूं है, ये थोड़े से हरे अभी, तो जब ये भी सूख हो जाएंगे तो इनको कट करेंगे। अभी ये थोड़े हरे हैं। और इधर से नीचे वो जौ थे जो आज हमने काटे थे, यहाँ से उधर तक काटे हुए थे। और ये जो नीचे वाले रह गए हैं अभी, और इधर से पीछे मम्मी जी वगैरह ने पहले काट लिए थे। और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो चल पड़ती हूँ ऊपर। गाइस अभी घास उठा के आ गई मैं, और अभी 4 बज रहे हैं और अभी मैंने बनानी है चाय। अभी मैं बना लेती हूँ पहले चाय, फिर अभी देखो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी भी, और इतने लेट तक काफ़ी ज़्यादा धूप है यहाँ पर गांव में हमारे, बहुत ज़्यादा धूप होती है। और अभी चलो मैं बना लेती हूँ पहले चाय। हेलो, इस तरह से यहाँ पर रखते हैं घास पूरा। और ये देखो पापा जी ने इतना कर लिया। ये अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पर, देखो फूल, ये मैंने प्लांट लगा लिए इधर सब में इधर से, और कुछ एक मैंने यहाँ भी लगाए हुए हैं सारे डब्बे डुब्बे काट कूट के। और इस तरह के प्लांट मैंने अभी लगाए, तो अभी इनको देना है पानी। हेलो, ये देखो मैंने पानी ले लिया है, तो अभी हम लग डालेंगे। अभी देखो मैंने बाल्टी में लगाया है, एक पुरानी बाल्टी में। और यहाँ तो एक मधुमक्खी भी अभी से आना शुरू हो गई है। उब उब पानी बाहर जा रहा है, शायद इसमें मिट्टी ज़्यादा हो गई है। ये पिछले साल मैंने डब्बे काट के इधर रख लिए थे, फ्लावर पॉट बनाए थे मैंने इनके, डब्बा काट के जो भी पुराने डब्बे थे। एक छोटा सा फ्लावर पॉट बनाया मैंने, इस पे ये गिर रहा है। और इसमें लगाए हुए थे सारे जो, ये निकाल के मैंने, इसमें बहुत सारे लगे हुए थे, इस पे से मैंने एक एक करके निकाल के इन सभी में लगा लिए। और इनमें लगते बहुत ही खूबसूरत फ्लावर। तो पानी दे के ऑलमोस्ट हो गया है डन। इस तरह से कलर्स के डब्बे मैंने फ्लावर पॉट बनाए हुए हैं देखो। और ये वाले जो प्लांट्स ही मैंने पहले लगाए हुए थे, और इनमें तो फ्लावर भी आ गए। और ये वाला मैंने एक आज लगाया, इसमें सूख गया था। और इस तरह से ये पहले के हैं, और इसमें भी फ्लावर लगने वाला अभी यहाँ पर एक वाइट कलर का, और इसके सूख गए हुए और थोड़े अभी नए लगने वाले हैं। और सो अभी प्लांट्स वगैरह लगाने के बाद फ्रेश होके मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और पूरे दिन आज काम किया वो तो आपने देखा ही। और आपको आज की वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आज की वीडियो कर लेती मैं इधर ही एंड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।